मैसी के नवाही इलाके गड़ा मोड़ में शादी वाले दिन दोनों बहनों और वालदा के मुबैना अगवा का मामला पुलिस को मिसगाइड करके झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर अहले इलाका के लोग और खोकर बरादरी सरापा एहतजाज हो गई। मुजाहरीन ने मुबैना अगवा होने वाली लड़कियों और इनकी वालदा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि मुमताज़ बलोच का करेक्टर ठीक नहीं था, जिसकी वजह से शादी से मना किया था। शादी में जाने से पूरे मोहल्ले और बरादरी ने बायकॉट कर दिया। मेहंदी वाली रात उन्होंने हमारे घर में बट्टे मारे, जिस पर लड़ाई हुई थी। लड़के वालों ने खवातीन पर भी तशद्दुद किया था, जिनका मेडिकल मौजूद है। कार्रवाई रोकने के लिए लड़के वालों ने अगवा का ड्रामा रचाया था। पहले खुद कॉल करके बुलाया कि बच्ची की तबीयत खराब है, गाड़ी लाओ, अस्पताल जाना है, और बाद में बच्चियों और वालदा के अगवा का ड्रामा रचा कर पुलिस को मिसगाइड किया और मुकदमा दर्ज करवा दिया। एहतजाजी मुजाहरीन ने कहा कि जो अगवा करते हैं वो इनको अस्पतालों में नहीं लेकर जाया करते। पहले जहानी अस्पताल में लेकर गए और बाद में वहाड़ी अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्यूमेंट्स और वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं। वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से एहतजाजी मुजाहरीन ने इंसाफ का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस की जानिब से DSP मलसी मजहराज का कहना है कि अगवा का मुकदमा थाना मित्रों में दर्ज किया है। बार बार केस को हवा ना दी जाए, महकमाना कार्रवाई जो होगी सामने आ जाएगी। जहानी अस्पताल की CCTV फुटेज और वहाड़ी अस्पताल की CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें लड़कियों को अगवा करना साबित नहीं हो रहा और मेहंदी की रात होने वाली लड़ाई का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस केस में इंक्वायरी की जा रही है, सब मुलजमान को सजा दी जाएगी।